असलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज की मेरी वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि मैं जा रही हूँ शादी की शॉपिंग करने, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ अपनी शॉपिंग और आपको बताऊँ कि मैं शॉपिंग करने कहाँ जा रही हूँ। तो जी, हम पहुँच गए PC पे तो अभी जाके यहाँ लंच करते हैं चलो कभी तो करेंगे। तो जी, मैं जाती हूँ जामा प्यात, वहाँ जाके हम शॉपिंग करेंगे। जामा प्यात में एम्ब्रॉयडरी वाले सूट बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं, बहुत ही अच्छी एम्ब्रॉयडरी होती है। तो जी, हम जा रहे हैं वहाँ और मैं और मेरे फ्रेंड जा रहे हैं। रास्ते में हमने बहुत इंजॉय किया, मौसम भी अच्छा था। हम पहुँच गए हैं जामा प्यात और जी, हमने देखे हैं यहाँ पे बहुत सारे सूट्स। तो ये देखें, इसको भी अच्छा लग रहा था। इसके अलावा ये वेलवेट बना हुआ है ब्लैक में, बहुत खूबसूरत काम, डिफरेंट स्टाइल, ये अच्छा लग रहा था। और ये ब्लू वेलवेट पर बना हुआ है सिल्वर काम, ये बस अच्छा ही लगा। और बहुत अच्छा काम चल रहा है और आजकल 3D वर्क बहुत चल रहा है, जो ज़्यादातर कॉपर में है। और ये ऑर्गेंजा पर बना हुआ था बीड्स वर्क, ये भी खूबसूरत था। ये देखें, ये वाला ग्रीन पे ये 3D वर्क होता है ऐसा, जो थोड़ा कॉपर सिल्वर और डल गोल्डन में जाता है, वो होता है 3D वर्क। इसमें ज़्यादातर काम जो 3D वर्क है और लाइट कलर्स पे बनाया हुआ है। ये जो ऑरेंज है गोटे वर्क पे, ये भी अच्छा लग रहा था। और ज़्यादातर लाइट कलर्स यूज़ किए गए हैं, लाइट कलर्स पे बनाया गया है काम। और खूबसूरत काम फुल एम्ब्रॉयडरी वाले भी हैं यहाँ पे, आप जिस तरह के चाहें आप बनवा सकते हैं। इनके पास डिफरेंट पैटर्न्स भी होते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं, अगर आप उनमें से अपनी मर्ज़ी से बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं। और ये देखिए, इन्होंने हमें कुछ डिफरेंट पैटर्न्स दिखाए थे, वरना ज़्यादातर शॉप्स वाले नहीं दिखाते। अंकल बहुत अच्छे थे, इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा हमारे साथ कॉपरेट किया। और उन्होंने देखे इतने सारे डिज़ाइन शेयर किए गोटे पे, मल्टी कलर्स में बना हुआ है, इसमें सितारा भी है, इसमें स्टोन भी है, इसमें गोटा भी है और इसमें धागा भी है, मल्टी कलर्स में धागा भी यूज़ किया गया है, बहुत खूबसूरत काम है। ये इनके पास सैम्पल्स होते हैं, इन सैम्पल्स को देख के आप इस गला स्लीव्स बॉर्डर्स जो भी बनवाना चाहिए खूबसूरत सा। ऑरेंज कलर में सूट था, ये भी गोटे वर्क पे था, बहुत खूबसूरत बारीक काम हुआ हुआ है। और इन्होंने बताया कि 18,000 में ये फुल शर्ट बना देंगे। अगर सिर्फ गला और स्लीव्स बनाएंगे तो ये आपको 7,000 या 8,000 में बना देंगे। और ये देखें, गोल्डन में भी काम है जिसमें सितारा और गोटा ज़्यादा यूज़ किया गया, गोल्डन गोल्डन काम कुछ लोगों को बहुत पसंद होता है, किसी के अपनी पसंद होती है। तो ये उन्होंने डिफरेंट वैराइटीज़ के सैंपल बना के रखे होते हैं, जिनको जिस तरह का काम पसंद हो वो उसके लिए उस तरह का काम बना देते हैं। उसके बाद हमने ज्वेलरी की शॉपिंग की, कुछ ज्वेलरी दी, यहाँ पर ज्वेलरी भी बहुत अच्छी मिलती है। तो आप सारे अपनी शादी की शॉपिंग यहाँ से कर सकते हैं, बहुत अच्छी ज्वेलरी मिलती है। अच्छा, शॉपिंग करने के बाद हम बहुत थक गए और बहुत भूख लगी, तो हम पहुँच गए फूड सेंटर। 200 पे है फूड सेंटर, बहुत ज़बरदस्त खाना होता है यहाँ का, बहुत अच्छा रिजनेबल और बहुत टेस्टी खाना होता है। यहाँ पहुँच के हमने जी सिंगापुरी राइस, बहुत ही यमी है, बहुत यमी और हैवी, बिकॉज इसमें चीज़ था, इसमें मायोनीज था, इसमें केचप था, इसमें चिकन था, इसमें वेजिटेबल्स थी, इसमें स्पैगेटी थी, इसमें राइस थे और बहुत ही यमी और हैवी था। ये दो बंदों से भी नहीं खाया गया, जो प्लेट में था डिश में था, या दो लोगों से भी नहीं खाया गया। इसके अलावा हमने फ्राइड राइस भी लिए थे और इसके साथ शाश्लिक था, बट सिंगापुरी राइस टू यमी, इतना यमी था, उसके बावजूद हम नहीं खा सकते। हमने पार्सल करवाया और ये थे फ्राइड राइस भी बहुत अच्छे थे, और इसके साथ था शाश्लिक और इसके साथ ड्राई चिली था, ड्राई चिली बहुत ज़बरदस्त था। ड्राई चिली मैंने फर्स्ट टाइम खाया फ्राइड राइस के साथ, अच्छा लगा, टेस्ट अच्छा था, उसके साथ यमी लग रहा था। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा फूड सेंटर पे जाके, बहुत अच्छा खाना होता है।
उसकी बिरयानी की तो क्या ही बात है, बिरयानी तो खाते रहते हैं, तो उसके लिए मेरा थोड़ा डिफरेंट खाना चाहिए। यहाँ के मैंने सिंगापुरी राजा फ्राइड राइस ट्रेनिंग किए थे, इसलिए मैंने वो ट्राई किए, दोनों बहुत अच्छे थे, बहुत ही अमीर थे। इसके खाने के बाद कुछ मीठा खाने के जो दिल कर रहा था, तो यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह नहीं थी, यहाँ पे ज़्यादातर लबेशी और जर्दा और इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। तो फिर हमने सोचा आइसक्रीम खाने के लिए हम जाते हैं बाहर कहीं, तो उसे थोड़ा ही आगे जाके हम पहुँच गए रबड़ी हाउस। रबड़ी हाउस की रबड़ी वाव, और यहाँ पे जितने भी मिठाई और हलवे मिलते हैं, पंजीरी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। यहाँ आके हमने आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम जो मैंने ली थी वो स्ट्रॉबेरी चीज़ आइसक्रीम थी, बहुत अच्छा फ्लेवर था। मैंने सेकंड टाइम खाई बट बहुत ज़बरदस्त। जिन लोगों ने आइसक्रीम ट्राई नहीं की वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी आइसक्रीम है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई थिंक आप लोगों को पसंद आई होगी। थोड़ी सी डिफरेंट व्लॉग था आज का मेरा, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। और थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।